तो बस चंद घंटों के बाद 500 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रभु रामलला अपने दिव्य और भव्य भवन से करोड़ों भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। देश दुनिया के राम भक्तों के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। ऐसे में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से भवन को सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है। पूरा राम मंदिर फूलों की महक से सुगंधित है, यानी कि बहुत ही प्यारा श्री राम का दरबार सजा हुआ है। देखिए, दिव्य भवन में रघुनंदन का इंतजार, फूलों से सजा अलौकिक मंदिर का द्वार। रामलला के प्रिय फूलों की मंदिर में बहार, फूलों की महक से अवधपुरी गुलजार। प्यारा सजा है प्रभु राम का दरबार। दिव्य भव्य नव्य अलौकिक प्रभु राम के दरबार को देखकर जितनी भी उपमाएं दी जाएं वो कम पड़ने लगी हैं। फूलों की खुशबू में लिपटे इस मंदिर की छवि भाव विभोर कर देने वाली। राम मंदिर में पूरे परिसर को एक अलौकिक रूप दिया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिखा गया है। फूलों के दृश्य भी काफी मनोरम है। परिसर के मुख्य द्वार पर गेंदे के फूलों से स्वागत लिखा गया है। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अब मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। मुख्य द्वार से एंट्री करने के बाद जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो फूलों की अद्भुत सजावट देखने को मिलती है। तस्वीरें देखिए। मंदिर के अंदर सजावट के लिए देश विदेश से फूल मंगवाए गए हैं। इन फूलों की सजावट से रामलला का दरबार और ज्यादा दिव्य और भव्य हो गया है। रामलला के गर्भगृह को सजाने के लिए कर्नाटक से फूल मंगवाए गए। चौदह वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया मेरी है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दशरथ नंदन के मंदिर को 2500 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर के बाहर की तस्वीरों से रामलला का मंदिर बेहद खास दिखाई देता है। पूरे मंदिर परिसर को अलग अलग फूलों से सजाया गया। मंदिर परिसर में जगह जगह खूबसूरत फूलों की रंगोली भी बनाई गई। दीवारों पर चिपके फूल प्रभु राम के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हम सबके लिए बड़े गौरव का विषय है। 500 साल के संघर्ष की यात्रा के बाद हमने ये समय पाया है कि हमारे रामलला मंदिर में विराजेंगे। और मैं आपको बता दूं, भारत के बहुत सारे ऐसे भी लोग रहे जिन्होंने इस संकल्प की पूर्ति के लिए जूते नहीं पहने, सर पे पगड़ी नहीं पहनी, लोगों ने अन्न का त्याग किया, कई स्त्रियों ने केश खोल कर रखे इस संकल्प के साथ कि हमारा संकल्प जब पूरा होगा भगवान का मंदिर बनेगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारी पीढ़ी ये सारा दृश्य अपनी आँखों से देखने का सौभाग्य अर्जित कर रही है। कनक बिहारी के भवन में सजे फूल अवध नगरी समेत पूरी दुनिया में महक बिखेर रहे हैं। प्रभु राम के भव्य मंदिर की भव्यता एक एक तस्वीर न्यूज 18 आपके सामने ला रहा है। अब आप गेट नंबर 11 की तस्वीर देखिए। इसी गेट से प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान यानी कि प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे। साथ ही महापूजा में शामिल होने वाले मेहमान भी इसी द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे। जिस द्वार पर हम मौजूद हैं इसे गेट नंबर 11 कहा जाता है और इसी द्वार से प्रधानमंत्री के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति, फिल्म जगत के लोग और कला जगत के साथ साथ 5000 विभिन्न धर्म और संप्रदाय के धर्म गुरु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रवेश करेंगे। इस द्वार को फूलों से सजाया गया है।
जगह जगह देशी और विदेशी फूलों की सज्जा की गई है और इस जगह पर जो प्रवेश करेगा उसको इस बात का भी आभास होगा कि वो भगवान की प्रतिष्ठा में आए हैं, भगवान के बाल स्वरूप कैटलॉग जगह जगह लगाए गए हैं। इसके साथ ही रामायण की खूबसूरत चौपाइयाँ फूलों के जरिए लिखी गई हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा राम जन्मभूमि परिसर में भी जगह जगह देखने को मिलेगा। मान्यता है कि रघुनंदन को दुनिया के सभी फूल प्रिय हैं, प्रभु राम का कोई विशेष फूल नहीं है, इसलिए रामलीला के संपूर्ण भवन को सजाने के लिए देश और दुनिया के कोने कोने से फूल मंगवाए गए। इन ताजे फूलों की महक से कमल नयन के दरबार की चमक अलौकिक हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम का दरबार प्यारा है और हर आम हर खास इसकी चमक और दमक की एक एक झलक पाने को बेताब। क्षण की सदियों से प्रतीक्षा थी, हमारे रामलला वास्तव में अब अयोध्या में अपने मंदिर में अपने भवन में स्थापित हो गए, गर्भगृह में स्थापित हो गए। 22 जनवरी को तो हम सब अपनी आंखों से उस प्राण प्रतिष्ठा के सुअवसर को देखेंगे, किंतु रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए और ये विराजना एक ऐतिहासिक घटना हमारे लिए तो आज प्रकाटी हो गया भगवान राम का। 500 साल के इंतजार के बाद इस भवन की छवि जो राम भक्तों के मन में बसी थी आज वो साकार रूप में दिखाई दे रही है। आज बड़ा शुभ पर्व पर आज 500 वर्ष की ये सपना पूरा साकार हुआ है और सत्य की स्थापना हो चुकी है और जहाँ सत्य आ जाता है वहाँ स्वयं प्रभु राम का आगमन हो जाता है। कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, आज की घड़ी विश्व की महान घड़ी बनने जा रही है, इसलिए आइए मिलकर जब भगवान श्री राम अपने नए घर में विराजमान हो रहे हैं हम सब मिलकर नए भारत का निर्माण करें। प्रभु राम के चरणों से लगे इन फूलों की महक पूरे देश और दुनिया में बिखर सी गई है, जो जहां है वहीं फूलों से श्री राम का स्वागत करा है। न्यूज 18 के लिए अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर अयोध्या नगरी अपनी चमक और दमक बिखेर रही है। अब आपको दिखाते हैं कि शाम की अयोध्या कैसे लग रही है। मंत्र श्लोक भजन के बीच ये नव्य अयोध्या है जो शायद त्रेता युग की अयोध्या की याद दिला रही है। ये पूर्व संध्या है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। कल 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजेंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। उससे पहले की ये शाम है। हर जगह फूलों से सजाई गई है अयोध्या, जगह जगह रोशनी की गई है। हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की ओर जो सड़क जाती है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर संत श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन हो जाएं। रामलला के दर्शन तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि आम लोगों के लिए दर्शन बंद हो गए हैं, लेकिन ये सड़क आपको सीधे रामलला से जोड़ती है, राम मंदिर से जोड़ती है और आपको त्रेता युग की अयोध्या की याद भी दिलाएगी। लोगों के अंदर जोश है, उत्साह, उल्लास, दिवाली जैसा माहौल है। सबको इंतजार है कल की उस घड़ी का जब रामलला राम मंदिर में विराजेंगे। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि उत्सव उल्लास का ये माहौल ऐसे ही चलता रहे, यहाँ पर हर दिन होली और रात ऐसे ही दिवाली जैसी हो। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 अयोध्या। लौटा है अपना रामा अयोध्या फिर से सजा, सुनो हो रहा है ये हल्ला। पूरे देश के लिए गौरव का क्षण आने वाला है क्योंकि सदियों के बाद रामलला अपनी जगह पर विराजमान हुए हैं, जहां पर कल उनकी शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में धूम मची हुई है, हर तरफ मंगल गान हो रहा है।
बस हर राम भक्त को अब कल के दिन का इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्साह है, उमंग है, हर किसी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जोरों से तैयारियां चल रही हैं, और अब वो क्षण बेहद ही करीब आ चुका है। अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। राम मंदिर तो ऐसे सजा है कि उससे नजर ही नहीं हटती। हर राम भक्त का अरमान पूरा होने जा रहा है। आज शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। अयोध्या में 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान शुरू हुए थे। भगवान रामलला की नगरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयार कर ली गई है। जिस द्वार पर हम मौजूद है इसे गेट नंबर 11 कहा जाता है, और इसी द्वार से प्रधानमंत्री के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपति, फिल्म जगत के लोग और कला जगत के साथ साथ 5000 विभिन्न धर्म और संप्रदाय के धर्म गुरु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रवेश करेंगे। इस द्वार को फूलों से सजाया गया है। जगह जगह देशी और विदेशी फूलों की सज्जा की गई है, और इस जगह पर जो प्रवेश करेगा उसको इस बात का भी आभास होगा कि वो भगवान की प्रतिष्ठा में आए हैं। भगवान के बाल स्वरूप कैटलॉग जगह जगह लगाए गए हैं। इसके साथ ही रामायण की खूबसूरत चौपाइयाँ फूलों के जरिए लिखी गई हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा राम जन्मभूमि परिसर में भी जगह जगह देखने को मिलेगा। इसके अलावा रामनगरी में प्रवेश के साथ ही लोगों को कुछ ऐसे ही दृश्य मिलेंगे। फिलहाल अयोध्या खूबसूरत ढंग से सज कर सवर कर तैयार हो गई है। अयोध्या में पूजा पाठ का दौर जारी है। आज भी रामनगरी में जोर शोर से अनुष्ठान चल रहे हैं। रामलला की मूर्ति का 114 कलशों के औषधि युक्त जल से दिव्य स्नान करवाया गया। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला के मंडप की पूजा की गई। मंत्रोच्चारण के साथ हुई पूजा का कार्यक्रम चला। रामलला के मंडप की पूजा होने के बाद महिलाओं में भारी उत्साह दिखा। महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। आज के अनुष्ठान में मध्याधिवास और शाम को शव्याधिवास की पूजा हो रही है। शाम को रामलला की पुरानी प्रतिमा को राम मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला के साथ उनके तीनों भाई हनुमान और शालिग्राम भी रहेंगे। रामलला के मंदिर के मुख्य द्वार को फूलों से सजाया गया है। वीआईपी गेट नंबर 11 जन्मभूमि पथ और गेट नंबर 3 पर खूबसूरत फूलों से साज सज्जा की गई है। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अब कुछ ही पल रह गए हैं। वहीं अवधपुरी अब भक्ति, संस्कृति और सेवा के संगम में डूबी हुई है। आप देख सकते हैं ये यहाँ का लता चौक है, जहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम अभी भी उमड़ा है, जबकि पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और भगवान श्री राम आज इतने दिनों बाद विराजमान हो रहे हैं, तो ये केवल उनके हम दर्शन करेंगे भाग्य नहीं, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ भजन सुनाइए प्रभु के लिए, जो आपके अंदर उनके लिए भाव आ रहे हैं। चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के फूल वाले आई हो अपने राम लला खातिर।